बसमिल्लि रमन रहीम वेलकम टू यू इन एस वी एन आज हमारे पास इंग्लिश के मोस्टली रिपीटेड सिनोनिम्स जो पास्ट पेपर्स में बार बार आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर वन सिनोनिम ऑफ कैटाक्लिज्म कैटाक्लिज्म का सिनोनिम है इसका राइट right ऑप्शन है अपहीवल और एक पेपर में इसका ऑप्शन ये कैटास्ट्रोफी भी था तो आप कैटेगलिजम के दोनों वर्ड या, सिनम याद रख लें आप और कैटास्ट्रोफी इसका उर्दू में मीनिंग है सियासी या समाजी इनकलाब सिनोनिम ऑफ विजडम मोस्ट इम्पोर्टेंट है काफी दफा रिपीट हो चुका है विजडम का मतलब सबको पता है अकलमंदी इसका राइट आंसर है सेगा सिटी द सिनोनम ऑफ कन्फिस्केट कन्फिस्केट का राइट right आंसर है सीज इसका मतलब होता है ज़ब्त करना या अपने कब्ज़े में कर लेना द गाड कन्फिस्केट हिज कैमरा गार्ड ने उसका कैमरा जब्त कर लिया सिनोनिम ऑफ इनोमलीमली का राइट right आंसर है इ रेगुलरिटी कहते हैं बेजाबतगी बेजाब्तगी करना और इसको याद करने के लिए आप एक सेंटेंस रख लें देर आर अ नंबर ऑफ इनॉमलीज़ इन द प्रेजेंट सिस्टम मतलब हमारे जो प्रेजेंट सिस्टम है इसमें कई किस्म की बेजाबतगियाँ हैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ऐसे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपसे इंशाल्लाह शेयर होती जाएगी द सिनोनिम ऑफ पीडेंटिक पिडेंटी का सिनोनम है पैडागोजिक इसका मतलब है अपने इलम को फखरिया तौर पर ज़ाहर करने वाला तो राइट ऑप्शन होगा इसका पैडागोजिक द सनोनम ऑफ फर्टिव फर्टिव का सिनम बहुत इम्पोर्टेंट है इसका राइट आंसर है सीक्रेट या सिक्रेटिव अब आप मीनिंग समझ आ चुका होगा खुफिया किया हुआ या आंख बचाकर किया गया मतलब जो काम छुप के किया जाए उसको कहा जाता है फर्टिव द सिनोनम ऑफ लिस्टलेस लिस्टलेस का सिनोनम है लिथॉर्जिक लिस्टलेस का उर्दू में मतलब है खाली बेशुगल गाफल या बेखबर तो इसका मीनिंग बनेगा लिथार्जिक द सिनम ऑफ इंजोलवेंट ये इन्जोलमेंट सिनम के तौर पे भी आता है और एक अलग से भी टर्म बनती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्जोलमेंट इसका राइट आंसर है अनएबल टू पे वन स्टेब उर्दू में मतलब बनेगा जिसके पास इतना सामान ना हो कि अपना कर्ज अदा ना कर सके मतलब जो लोग अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते उनके लिए एक टर्म इसमें होती है द दिन ऑफ निगोशिएट नगोशिएट कहा जाता है इसका राइट right आंसर बनेगा सेटल उर्दू में कहते हैं गुफ्त नशीद करना इनके आपस में बातचीत करना या मामले को तय करना दिनम ऑफ हेलसीन हेल का सूनम है श्रीनी इसका उर्दू में मतलब है पुरसकून या एक अफसानवी परिंदा द सिनम ऑफ कैलीग्राफी इसका राइट right ऑप्शन बनेगा आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने वाले शख्स के लिए कैलीग्राफी की टर्म यूज़ होती है द सिनम ऑफ कोटेज कोटेज का राइट right आंसर है प्रोसेशन उर्दू में कहा जाता है जनाजे का ज़ुलूस। द सिनम ऑफ डोरमेंट Domain'd का राइट right आंसर है इनर्ट डोमेंट का उर्दू में मतलब है सोया हुआ काहल या बेहिस्सो हरकत याद रखने के लिए आप ये कर लें कि डोमेंट बटरफ्लाइज इसका मतलब है सोई हुई तितलियाँ दिनोनम ऑफ एन सेंडी कहा जाता है कॉजिंग फायर कॉजिंग फायर भी कहा जा कहा जा सकता है और कम्बस्चिबल भी यानी कि आग लगाने वाला वट इज द मीनिंग ऑफ प्लेज प्लेज का राइट right आंसर है प्रोमिस करना मीन प्लेज का सिनम बनेगा प्रोमिस एल्यूमनी मीन्स एल्यूमनी मीन्स इसका मतलब है एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट द दिननम ऑफ यूबिक्विटी यूबी कहा जाता है ओमनी प्रजेंट यानी कि हर जगह मौजूद होने की हकीकत दिनम ऑफ जेस्ट जेस्ट का उर्दू मतलब है मजा लुत् मज़ा या लुत्फ वगैरह तो इसका राइट right ऑप्शन बनेगा प्लेयर और एक पेपर में इसका ऑप्शन एंथोसी भी आ चुका है तो आप दोनों इसके याद रखिए प्लेर भी और एनथोसीज़म भी द सिनोनम ऑफ स्लगिश स्लगिश का राइट right आंसर है स्लो उर्दू में कहा जाता है सुस्त या काहिल दिनोनम ऑफ डि टू वेड इंपॉर्टेंट सिनोनम है इसका राइट right आंसर है सेम एक जैसा वट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल फिजिबल को उर्दू में कहते हैं काबिल अमल और इसका राइट right आंसर है प्रैक्टिकेबल द सिनोनम ऑफ डिलेपिडेशन इसका राइट right आंसर है डेमोलिशन इसका मतलब टूट फूट या खस्ता हाली द सिनम ऑफ इनफ्रिंज इन का राइट right आंसर है वायोलेट और एक पेपर में ट्रांसग्रेस भी आया हुआ है तो आप वायोलेट और ट्रांसग्रेस दोनों इसके सिनोनिम याद रखें इसका उर्दू में मतलब है तोड़ना या तजावज़ करना सिनोनिम ऑफ फिक्टिशियस बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ right है फिक्टिशियस का राइट आंसर है फॉल्स क्योंकि फिक्टिशियस का मतलब होता है गलत तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा फॉल्स नोनम ऑफ आउटकास्ट आउटकास्ट का राइट right आंसर है वेगा बोन्ड आउटकास्ट कहा जाता है खारिज करना और वेगा बोन भी होता है खारिज करना दिनोनम ऑफ कंटू मैसी इसका राइट right आंसर है स्टप बोर्न कंटू मैसी कहा जाता है ना फरमानी करने वाले को स्पेशली डिस टू अ कोर्ट आर्डर। टू मैसी राइट ऑप्शन स्टॉप बोर्ड द सिनोनम ऑफ ग्रेटिचुअस इसका राइट right आंसर है फ्री जैसा कहा जाता है कि माल मुफ्त दिल बेरहम तो उसके लिए ये वर्ड होता है ग्रेटिचुअस दिनोनम ऑफ री कौनसाइल री कौनसाइल का मीनिंग है एडजस्ट यानी कि राजी करना या मामले को तय करना वट इज़ द सिनोनम ऑफ़ एरिड एरिड को उर्दू में कहते हैं खुश्क इसका राइट ऑप्शन बनेगा ड्राई यानी कि एरिड जोन खुश्क इलाका टेंटेटिव सिनोनम ऑफ टेंटेटिव है एक्सपेरिमेंटल इसका मतलब होता है आजमाइी या इम्तहान इम्तहान वगैरह लेना तो इसका सिनोनम बनेगा एक्सपेरिमेंटल द सिनोनम ऑफ इनिजमैटिक वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनम है ये निजमैटिक का राइट right आंसर है पजलिंग या बहुत पुचीदा चीज उर्दू में पोचीदा कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं दिनोनम ऑफ ब्यूरोसी ब्यूरोसी का सिनोनम है सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज ब्यूरोसी के स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद कर लें पेपर में पूछे जा चुके हैं द सिनोनम ऑफ वेस्लेट वेस्लेट का सिनोनम है फ्लक्चुएट उर्दू में मतलब होता है लड़खना लड़खड़ाना या इधर उधर हिलना दिनोनम ऑफ इमेंडेशन इमेंडेशन का उर्दू मतलब है दुरुस्तगी या इसलाह इसका राइट ऑप्शन बनेगा इन ऑप्शंस के मुताबिक शन वट इनम ऑफ डी delectable कहा जाता है एम ईबल यानी कि खुशगवार थैंक यू फॉर watching दिस वीडियो अपनी कीमती राय से कमेंट में जरूर आगा कीजिएगा थैंक यू Allah Hafiz.